जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई गोलीबारी की घटना में आरोपी बनाए गए सैन्य अधिकारी के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मेजर को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ हुई एफआईआर पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है, साथ ही निर्देश दिए हैं कि मेजर आदित्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से भी कहा है कि वे केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में पक्ष रखें। अधिकारी के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने इस मामले में पुलिस द्वारा सेना के मेजर आदित्य कुमार पर दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सैन्य अधिकारी के पिता ने कहा कि 10 गढ़वाल राइफल्स में मेजर उनके बेटे पर गलत ढंग से एफआईआर दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की राजधानी मस्कट में 300 साल पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पश्चिम एशिया के 3 देशों की अपनी यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री ओमान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए ओल्ड ओमान में स्थित शिव मंदिर को फूलों से सजाया गया था। यह शिव मंदिर ओमान का सबसे पुराना शिव मंदिर है। इस मंदिर में प्रधानमंत्री ने भगवान शिव का अभिषेक किया और प्रार्थना की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस दौरे में ही दुबई के ओपेरा हाउस से अबू धाबी में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया था। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर अब एक बार फिर से राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत ही यहां भी काम कर रहे हैं। इसके तहत राहुल ने मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इस बार राहुल मंदिर के साथ दरगाह भी पहुंचे। सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एन सिद्धरमैया के साथ राहुल रायचूर में एक दरगाह पर पहुंचे। यहां उन्होंने चादर चढ़ाई और अपनी पार्टी की जीत की दुआ मांगी। हैदराबाद में नशे में धुत एक चालक ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। ड्राइवर को जब पुलिसकर्मी ने रोका तो उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी से मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। काफी देर तक ड्राइवर पुलिसकर्मी से भिड़ता रहा। बाद में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों ने आकर उसे पकड़कर अलग किया और थाने भेजा। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम कैद हो गया, जिसमें ड्राइवर पुलिसकर्मी से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। बिग बॉस 11 की प्रतिभागी और हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ और लात घूंसे चले। रविवार को कानपुर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क कॉलोनी में सपना का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान बेकाबू भीड़ ने जमकर बवाल किया। जब सपना चौधरी नाचने के लिए स्टेज पर पहुंची तो लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया और कुर्सियां मारी। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई। हंगामे के बाद आयोजकों ने सपना चौधरी को बचाकर किस तरह मंच से नीचे उतारा और होटल तक भेजा। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। हंगामे के चलते कार्यक्रम को बीच में ही खत्म करना पड़ा। टिकट भी खरीदी सर 1500 रुपए की, अंदर भीड़ ज्यादा हो गई और डंडे लाठी चल रहे, तो सर अपनी वो अपने आप को सुरक्षित तो सर करना है ना, इससे अच्छा पसर पहले निकल रहे यहाँ से। अपना चौधरी का शो देखने आया था और यहाँ पर इनके बाउंसर्स ने हम लोग के साथ लाठी चार्ज और पथराव किया था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।